नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। ग्वालियर शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र के फिजिकल कॉलेज के सामने अपना काम खत्म करके अपने घर LNIPI यानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण विश्वविद्यालय कैंपस जा रही साइकिल सवार को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस के पास सफेद स्विफ्ट कार का नंबर आ गया है, लेकिन उसे बरामद नहीं किया जा सका, ना ही आरोपी के बारे में कुछ पता चला है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल महाराज बाड़े पर ट्रेलरिंग का काम करने वाले संतोष शाह के LNIPI कैंपस रेस कोर्स रोड पर रहते हैं। वो महाराज बाड़े से अपना काम निपटाकर रात को कैंपस लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। खास बात यह है कि कार ने टक्कर मारने के बाद उसका चालक रुका भी नहीं और अपने वाहन को लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षक विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर आ गए और उन्होंने रेस कोर्स रोड पर कुछ समय के लिए जाम कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जल्द ही कार चालक को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्रों का गुस्सा शांत हो सका। LNIPI का कर्मचारी साइकिल से रात्रि में रेस कोर्स रोड पर जा रहा था, तो एक स्विफ्ट कार के चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाकर उसमें टक्कर मार दी और घायल जो है मौके पर ही पड़ा रहा। जैसे ही LNIPI के छात्रों को पता चला तो उन्होंने आके उसको हॉस्पिटल के लिए भेजा। वो हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजन की रिपोर्ट पर से थाना पड़ाव में स्विफ्ट कार चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की जा रही है। बताया छात्रों ने चक्का जाम किया था रोड पर पूरा, वो थोड़ी देर के लिए आक्रोशित थे तो